एक बार की बात है, हस्तिनापुर गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। उस पहाड़ पर एक बड़े से पेड़ पर करला और कंकला नाम की दो भूतनियां रहती थीं। वो दोनों भूतनियां वहां से निकलने वाले मुसाफिरों को परेशान करती थीं। इसीलिए लोग उस रास्ते से गुजरने से बचने लगे थे और वो भूतनियां अब ऊब रही थीं। एक दिन दोनों भूतनियां उस बड़े से पेड़ की डालियों पर बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हुए एक दूसरे से कहने लगी, बहन आजकल तो इधर से कोई जाता ही नहीं है, मैं बहुत ऊब रही हूँ, तो चलो मजे के लिए आपस में ही थोड़ा सा झगड़ लेते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी भूतनी कुछ देर तक सोचती रही और फिर बोली, तुम्हें कुछ अकल भी है? तुमने मुझे बहन कैसे कहा? मैं तुमसे बड़ी हूँ उम्र में। तुम मुझसे बड़ी कैसे हो गई? मुझे समझ नहीं आया। मैं यहाँ काशी नगर के बनने से भी पहले से रह रही हूँ, तो मैं हुई ना तुमसे बड़ी? तो अपनी बेतुकी कहानियां मत सुनाओ मुझे, मैं हूँ तुमसे बड़ी। और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय उन दो भूतनियों ने उस रास्ते से एक संत को जाते देखा। उन्होंने संत को रोका और उन्हें बताया कि उनके बीच कौन बड़ा कौन छोटा पर लड़ाई छिड़ गई है। बताइए संत, हम दोनों में से बड़ा कौन है? संत समझ गए कि अगर किसी एक के पक्ष में कुछ भी कहा तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं तो ये बताने में मुश्किल महसूस कर रहा हूँ, इन बूढ़ी आँखों को तो तुम दोनों ही एक जैसी लग रही हो, इसीलिए तुम दोनों एक काम करो, काशी नगर में रहने वाले रामिया शेट्टी नाम के एक व्यापारी से जाकर मिलो, इसका हल तो वही सुझा सकता है। तुरंत दोनों भूतनियां उड़कर रामिया शेट्टी की दुकान के पास पहुंच गईं और आराम कर रहे शेट्टी को उठा दिया। क्या त्योहार आ भी गया? तुम दोनों इस तरह से तैयार होकर कहां से आ गई हो और मेरी अनुमति लिए बगैर मेरी दुकान में कैसे घुस आईं? एकदम भूतनिया ही लग रही हो, बहुत बढ़िया। अभी जाओ, एक हफ्ते बाद आना, मैं पैसा या जो भी दे सकता हूंगा दे दूंगा। अभी जाओ। हम सच की भूतनिया हैं। हमारे बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो गई है कि हम में से बड़ा कौन है। किसी ने बताया कि तुम बड़े अकलमंद हो, हमारा मामला सुलझा दो फिर हम दोनों चली जाएंगी। हाँ, उससे पहले नहीं। उसे एहसास होता है कि दोनों सच में भूतनियां ही हैं और किसी तरह उनसे फायदा उठाने की सोचने लगता है। उसे भी समझ में आता है कि किसी एक के पक्ष में उत्तर देने से उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए काफी देर तक अकल लगाने के बाद वो उनसे कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम सच की भूत हो या नहीं हो, मुझे तो ये बताओ कि तुम्हारी लड़ाई सुलझाकर मुझे क्या मिलेगा। उसी पल करला वहां से उड़ गई, कहीं जाकर अपने हाथ में एक बड़ा सा थैला लेकर लौटी। रामिया शेट्टी, ये थैला ले लो, ये सोने के सिक्कों से भरा है जिनके सहारे तुम सारी जिंदगी आराम से रह सकते हो। अरे क्या ही रामिया शेट्टी को रिश्वत देने की सोच रही है और उसे अपने हक में फैसला देने पर मजबूर कर रही है। मैं इसे ऐसा कतई नहीं करने दूंगी, मैं भी जाऊंगी। कंकला फौरन उड़ गई और एक और बड़े सोने के सिक्कों से भरे थैले के साथ लौटी। मैं और भी बड़े सोने के सिक्कों से भरे थैले के साथ आई हूँ, अब बोलो कि मैं हम दोनों में बड़ी हूँ। देखो भूतनियों, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है, मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लूंगा, क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? वो परीक्षा क्या है? तुम दोनों को वो पहाड़ चढ़ना होगा, वहाँ तुम्हें भैरव स्वामी मिलेगा, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, जाओ और उसका आशीर्वाद प्राप्त करो, वो तुम पर कुछ विभूति छिड़केगा, फिर वापस आना, तब बताऊंगा मैं कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। रामिया शेट्टी ने उनके सामने अपनी शर्त रख दी।
तुरंत दोनों भूतनियां उड़कर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गईं। वहां उन्होंने भैरव स्वामी को देखा जो अपनी आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। करला दूर एक जगह खड़ी होकर भैरव स्वामी को देख रही थी। अरे देख क्यों कर रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो तुम, आओ चलो उससे मिलते हैं। तुम्हें अकल है जरा भी, तुमको इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे लगता है कि राम्या शेट्टी ने हमें बरगलाया है। मुझे डर है कि संत की विभूति से हम नष्ट हो जाएंगे। भैरव स्वामी हमारा नाश क्यों करेगा, बेवजह इस तरह संदेह करने का कोई फायदा नहीं है, चलो आओ उसका आशीर्वाद ले। उसके ऐसा कहने पर करला ने बहुत देर तक सोचा और फिर बोली, ना ना मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। अगर तुम सुरक्षित वापस आ गई तो फिर मैं भी जाऊंगी उसके पास, तब तक मैं पहाड़ के नीचे खड़े होकर प्रतीक्षा करूंगी। और वो चली जाती है। कंकला भैरव स्वामी के पास गई और उसका आशीर्वाद लिया। उसकी विभूति से कंकला एक बहुत ही सुंदर देवी बन जाती है। फिर वो उस पहाड़ के नीचे गई। करला क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कंकला हूँ। जैसे ही मैंने भैरव स्वामी से आशीर्वाद लिया मैं एक देवी बन गई। तुम भी जाकर उसका आशीर्वाद लो तो तुम भी एक देवी बन जाओगी। करला को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम देवियां हमेशा हम भूतनियों को इसी तरह धोखा देने की कोशिश करती हो, लेकिन मुझे नहीं दे पाओगी धोखा। तुम्हारी किस्मत तुम भुगतो, ये कहकर वो एक देवी के रूप में वहां से उड़ जाती है। लगभग एक हफ्ते बाद करला भूतनी राम्या शेट्टी के पास जाकर बोलती है, कंकला भैरव स्वामी का आशीर्वाद लेने गई और फिर लौटी ही नहीं, उसका क्या हुआ होगा? अब मुझे क्या पता, अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार पहाड़ पर जाकर पता करके आता हूँ। राम्या शेट्टी वहां जाकर भैरव स्वामी से मिला और उसे पता चला कि कंकला को तो निर्वाण मिल गया है। फिर राम्या शेट्टी पहाड़ से नीचे आकर करला से बोला, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कंकला तो भैरव स्वामी की दासी बन गई है। राम्या शेट्टी ने उसे एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने कहा था उससे कि उसके पास न जाए, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और अब दासी बन गई। खैर अब तो वो वापस नहीं आएगी, तो मैं ये लड़ाई जीत गई, तो हम दोनों में मैं ही बड़ी साबित हुई। वो खुश होकर वहां से उड़ गई।